वसई विरार मनपा अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 81 में विकास कार्यों को लेकर रखा गया भूमि पूजन। वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 81 में हुए विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन का आयोजन रखा गया। यह आयोजन मनपा की महिला एवं बाल कल्याण सभापति भावना सुनील सेवाले के द्वारा रखा गया है। यह आयोजन वसई विधानसभा के आमदार हितेंद्र ठाकुर, नाला सुपार विधानसभा के आमदार क्षितिज ठाकुर, महापौर रुपेश यादव, सभापति अफीक शेख, उप महापौर प्रकाश रोड्रिक्स, प्रथम महिला महापौर, पूर्व उप महापौर उमेश नायक, सभापति राजेश ढगे, वसई विरार मनपा के आयुक्त सतीश लोखंडे के नेतृत्व में यह कार्य किया गया। वहीं अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर यह भूमि पूजन रखा गया, जिस पर महिला व बाल कल्याण सभापति ने क्षेत्र की जनता में आयोजन में उपस्थित होने का आह्वान किया। देश नाला सुपारा की खास रिपोर्ट। मैं भावना शेवाले वार्ड क्रमांक 81 से नगर सेविका हूँ। देखिए, हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के जो लोक नेते हैं माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर साहब यानी अप्पा, हमारे आमदार माननीय श्री क्षितिज दादा ठाकुर और हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका की प्रथम महिला महापौर माननीय सो प्रवीणाताई ठाकुर, उनके मार्गदर्शन के नीचे हम यह काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ के जो माजी उप महापौर हैं उमेश नाईक साहब, उनका भी हमें हमेशा मार्गदर्शन रहा है। आज हम यहाँ पे वार्ड क्रमांक 81 में यहाँ पे कुछ 7 कामों का ओपनिंग करने जा रहे हैं। हमारे अभी नवनिर्वाचित माननीय श्री रूपेश दादा यादव, उनका भी हमें वारंवार हमेशा मार्गदर्शन रहता है। वैसे हमारे वार्ड क्रमांक ये के सभापति राजेश ढगे जी साहब हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलता है और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही आज ये कार्यक्रम का यहाँ पे 7 जगह पे ओपनिंग होने जा रहा है। जैसे पहला जो है वो स्वामी समर्थ साई लीला अपार्टमेंट में हमारा RCC पाइपलाइन का ओपनिंग है। फिर रेणुका अपार्टमेंट है, वहाँ भी हमारा RCC पाइपलाइन का ओपनिंग है। साई दर्शन अपार्टमेंट में RCC पाइप का सब एक ही जगह पे ये 7 ओपनिंग हो रहे हैं। झालावाड़ में जो है तो मैडम, ये कितने का काम है, क्या है वो बताइए। देखिए, जो स्वामी समर्थ साई लीला में जो RCC पाइप गटर करने जा रहे हैं वो 1,92,000 का है और रेणुका देवी का है वो 2,12,000 के आसपास है। साई दर्शन अपार्टमेंट में जो RCC गटर लाइन करने जा रहे हैं वो भी 1,82,000 का उसके आसपास है। और ये फुटपाथ दुरुस्ती का भी काम लिया है झालावाड़ परिसर में, संयुक्त नगर में भी फुटपाथ दुरुस्ती का, जो जितने भी वार्ड में फुटपाथ है वहाँ पे दुरुस्ती का काम लिया है।